हेलो दोस्तों, वेलकम बैक द ट्रिक्स बाय रोहन चैनल पे। मैं रोहन आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल पे। तो गाइस यार, इस वीडियो के यार हम शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑफर बताऊंगा जिससे आपको हर पेटीएम अकाउंट होगा 50 रुपीज तक का एड मनी होगा। और आपके पास जितने भी मिनी KYC या भी KYC अकाउंट है, वो सारे से आप 50 रुपीज तक का बेनिफिट ले सकते हो। अब जितने भी अकाउंट, समझो ऑफर बहुत बड़ा है, एंड कितना देर तक चलेगा ये मुझे नहीं पता। ये ऑफर जल्दी से जल्दी एक्सपायर होने वाला है, तो जल्दी जितना जल्दी वीडियो देख रहे हो तुरंत जाकर ऑफर को अप्लाई लेना। तो सबसे पहले आपको करना होगा एक एड मनी। तो ये ऑफर है ऑफिशियल एड मनी के द्वारा। आपको मैं सिंपल सा पूरा ऑफर समझा दे रहा हूं। आपको करना होगा पेटीएम को आप लॉगिन कर जाओ। पेटीएम को लॉगिन करने के बाद आप क्या करो, कोई भी मिनी KYC अकाउंट सबसे पहले पकड़ना। मिनी KYC अकाउंट लेने के बाद अपने एड मनी सेक्शन में जाओ। एड मनी सेक्शन में जाने के बाद आपको डालना है अमाउंट है 5000 रुपया, समझ आओ 5000 रुपीज। 5000 रुपीज आप अमाउंट में डाल दो। उसके बाद आपको हैव ए प्रोमो कोड का एक सेक्शन मिलता है। तो जैसे हैव ए प्रोमो कोड का सेक्शन मिलता है, उसमें आपको एक कोड डालना है, जो कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। उस कोड का नाम है UPI50, समझ लो UPI50। इस कोड को डाला, जैसे इस कोड को डालोगे अप्लाई कर दोगे, तो नीचे में आपको पूरा पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको आपका जो 50 रुपीज का कैशबैक आपको अप्लाई हो चुका है ना। इस ट्रांजेक्शन को डन करते हो तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे प्रोसीड टू पे कर दो, उसके बाद वो करना है पेमेंट पेज में आपको ना तो क्रेडिट कार्ड ना तो नेट बैंकिंग, आपको पूरा पूरी एड मनी करना है आपको भीम UPI से। उस पेटीएम अकाउंट में भीम UPI है, उससे कोई टेंशन नहीं। आपका जो मेन अकाउंट है कोई भी एक पेटीएम वाला जिसमें आपको भीम UPI है, उस पेटीएम ID को वहाँ डाल दो। उस पेटीएम के भीम UPI ID को डाल दो, वहाँ पर मैं आप डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर दो। फिर क्या करो, आपका वहाँ पर जहाँ पर आपका ऑफिशियल जो मेन आपका ID, उसमें एक रिक्वेस्ट जाएगा 5000 रुपीज एड मनी का। सिंपल वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट आएगा, उसको पे कर दो। जैसे वहाँ पर पे कर दोगे, आपको 5000 रुपीज तुरंत आपका पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको 5000 रुपया इसमें 5050 रुपीज आपका पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। देख सकते हो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 5000 रुपीज नहीं, मुझे 5050 मुझे ऐड हुआ है, मतलब 50 रुपीज कैशबैक एंड 5000 रुपया मुझे जो ऑफिसर मैंने ऐड किया था। उसके बाद आपको क्या करना, ये जो पैसा आया 5050 रुपया, अब इसको जो मर्चेंट ID होता है ना, उस मर्चेंट आईडी में भेज दो। मतलब आपके पास एक मर्चेंट आईडी तो होगा ही, उस मर्चेंट आईडी में भेज दो। जैसे वो मर्चेंट आईडी में भेजोगे एंड ट्रांसफर जाके ट्रांसफर कर लोगे, तो तुरंत आपका जो 5050 रुपीज़ है वो तुरंत आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तुरंत आप ट्रांसफर नाउ को क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या, फिर 5000 रुपीज़ अपने मेन अकाउंट में ले लो, फिर दूसरा आईडी लॉगिन करो। उसके बाद लॉगिन करने के बाद फिर 5000 रुपीज़ दे के दूसरा आईडी में UPI50 कोड डालो। UPI50 कोड जैसे लाएगा, फिर से सेम आपको प्रोसेस करना है। ऐसे कर करके अब हर पेटीएम अकाउंट से 50 रुपीज़ ले सकते हो। आपके पास एक मर्चेंट आईडी नहीं, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना हो, आपको आपका मैंने एक सेक्शन आपको बताया था कि आपको सेटिंग में जाके आपको रिटर्न टू बैंक वाला ऑप्शन को ऑन कर देना। उसके बाद क्या करना, जो आपने ऐड मनी किया हुआ रहेगा उसमें रिटर्न टू बैंक का एक ऑप्शन आएगा, बस उसको रिटर्न टू बैंक में जैसे क्लिक करोगे, वो जहाँ पर पैसा ऐड हुआ रहेगा वो आपका वहाँ बैंक में चला जाएगा। तो यार वीडियो कैसा लगा यार ज़रूर बताओ, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम स्पेशल वीडियो बताओ। जल्दी जाकर ऑफर को अप्लाई करो, वेट मत करो।